अरे दो दो जगह दिखा रहा हूँ मैं। चलो आ जाओ यहाँ देखो फटाफट 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 फटाफट। ये ड्राइव में खुला हुआ है, एक काम करते हैं इसको पहले अपन वन नोट में खोल लेते हैं। जीवन में टेंशन क्या बोल रहे हैं? मेरी राइटिंग की तुमने बुराई कर रहा था ना, मेरे को अभी साक्षी बता रही थी। कोई ने तो बुराई करी थी मेरी राइटिंग की, समझ ही रहते हैं तुम लोग। आपसे। कोई तो बुराई कर रहा था मेरी राइटिंग की कि भैया इतनी गंदी राइटिंग लिखते हैं, अरे बाप रे ऐसे ऐसे बोल रहे थे तुम लोग। कोई तो बोल रहा था, मेरे को समझ में आ गया है। चलो आ जाओ। हाँ भैया बहुत बोले ना लाए। ठीक है सबसे पहले क्या है और देख लो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना अपन को। ठीक है इंट्रोडक्शन तो अपन को जरूरत नहीं है पढ़ने की। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अपन रीड कर चुके हैं पहले, पर मैं करा चुका हूँ। आपकी बुक में मार्क होगा, अगर आपने मार्क किया होगा तो। किया है क्या मार्क? ये मैंने नई मॉड्यूल डाउनलोड की, मतलब फिर से डाउनलोड किया। इस पे मेरे में एकदम गोरा कोरा दिख रहा है, तुम्हारे में कोरा कोरा नहीं होना चाहिए। तुमने मार्क किया रखा होगा पहले से। बोलो 129 ऑफ कंपनीज एक्ट याद है अपने पढ़ा था। ये एक काम करूँ मार्क कॉलेज खोल लूँ तो थोड़ा तुम लोग को गुड फीलिंग्स ही आएगी ना। पेन नंबर बताओ ना। कितने लोग ऐसे जिन्हें ग्रुप वन में कंपनी लॉ नहीं पढ़ा है? ग्रुप वन नहीं पढ़ा है, कंपनी लॉ नहीं पढ़ा है तो एक दो तीन बता दियो। थोड़ी सी तकलीफ जाएगी आप लोग को अभी एमसीक्यू सॉल्व करने में जब मैं कराऊंगा तो, क्योंकि बहुत सारा रेफरेंस ग्रुप वन के कंपनी लॉ का आएगा। हालांकि ये सीएमए के आगे के चैप्टर्स में कवर हो जाएगा, लेकिन अभी दिक्कत जाएगी। देखो ये सब लिखा लिखा हुआ है। ठीक है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा था कि ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, याद है कि नहीं याद है? और कौन बताता है? शेड्यूल थ्री बताता है। कौन बताता है? शेड्यूल थ्री। किस किस को नहीं लगता है? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या एनी अदर लॉ वाली, याद है कि नहीं याद है? बोलो यार। ठीक है क्या? अच्छा ये देख लो, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सबसेक्शन वन ऑफ 129 द क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल मैंडेटरी फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज XBRL। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? आपको XBRL फॉर्मेट में अपने क्या करने पड़ते हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करना पड़ता है। ये XBRL क्या होता है पढ़ाएंगे तुमने कंपनी लॉ में? लिस्टेड कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पे रखती है? एमसीए की वेबसाइट वगैरह में डालना पड़ता है। क्या बात सुन रहा है? तो जब उनको डालना पड़ता है तो XBRL फॉर्मेट में होने चाहिए, यही बात है मेन बस। ठीक है क्या? ठीक है। एज मे बी स्पेसिफाइड मैन ऑफ सच फाइलिंग नोटिफिकेशन द टर्म एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज मींस स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन होता है। XBRL फॉर्मेट में फाइल करना पड़ता है, बस यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं बताओ ना यार? नहीं आया क्या? आया। अब ये ने बताया कि XBRL होता क्या है तो उसको रीड कर लेना। ठीक है क्या? ये दिया गया किसको करना पड़ता है या नहीं दिया ना? नहीं। एट एवरी एजीएम द कंपनी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल ले बिफोर द मेंबर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हर बोर्ड मीटिंग में आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में क्या, हर बोर्ड मीटिंग में क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले करते हैं, एजीएम में भी ले करते हैं। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। एट एवरी एजीएम ऑफ ए कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी, हर एजीएम में क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करते हैं कि ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। अरे बोलो यार। फिर क्या लिखा है? वेदर कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज। वेदर कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरी दिख रहा है? वेदर कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज इट शैल इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड अंडर द सबसेक्शन टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। अगर किसी की सब्सिडरी कंपनी है, मतलब एक कंपनी है उसकी तीन चार सब्सिडरी है, तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सबके जोड़ के। क्या बात है? जैसे फेसबुक है, फेसबुक की सब्सिडरी कौन है? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऐसे करके दो तीन सब्सिडरीज है। तो जब फेसबुक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगा तो एक अपने फाइल करेगा जिसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन, अकेले बनाए जाते हैं। बोलो हाँ नहीं? और फिर बनाते हैं कंसोलिडेटेड, यानी सबके मिला के। नहीं आ रहा है क्या? अरे हाँ ना बोलो यार। फिर क्या बोला है? एंड द सब्सिडरीज इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज इट इज ओन विच एनुअल जनरल मीटिंग में आपको दिखाने पड़ेंगे जैसे आप दिखाते हो। द कंपनी शैल ऑल्सो अटैच
along with its financial statement, a separate statement containing the silent features of the financial statement of its subsidiary or subsidiaries. आपको एक स्टेटमेंट लिख के दे, सुन रहे हो, ये एमसीक्यू आएंगे, इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से. आपको क्या दिखाना पड़ता है, आपने सब्सिडरी दिखाया है तो सब्सिडरी के फीचर, साइलेंट फीचर ऑफ सब्सिडरी, जो बातें हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो भर के ना आए, वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के देनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ. नहीं आ रही क्या, आ रही बताओ ना यार. अकॉर्डिंग टू द रूल्स, द स्टेटमेंट शैल कंटेन द साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, सब्सिडरी और सब्सिडरीज, एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर, मतलब सारी कंपनीज की अपन से जुड़ी हुई सारी. अगर आईटेक्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहा है तो उससे जुड़ी हुई उसकी सारी सब्सिडरीज, सारी एसोसिएट कंपनी, सारी जॉइंट वेंचर कंपनी के साइलेंट फीचर उसको एक स्टेटमेंट में देने पड़ेंगे. आया है कि नहीं आया, फटाफट बोलो. पक्का? फिर क्या लिखा है, फर्दर एज पर द रूल्स द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी मेड इन अकॉर्डिंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. जो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे वो किसके हिसाब से बनाओगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाओगे. एक अपने आप में पूरा चैप्टर है आपके बुक नोट्स आपके इस सब्जेक्ट में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है कि कैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं. असल में बहुत बड़ा होता है, तुमको उतना डिटेल में नहीं है, ठीक है. सब्जेक्ट, however, the requirement that if under accounting standard consolidated is not required for the reason that the company has its immediate parent outside India, then such company will also be required to prepare consolidated financial statement in the manner and format as per Schedule 3 of the Act. So, accounting standard क्या लगाता है? Condition लगाता है. क्या condition लगाता है? ये condition अगर fulfill होती है तो ही आपको क्या बनाने हैं? Consolidated financial statement बनाने हैं. सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अब अगर मान के चलो वो कोई एक कंपनी है जो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंडीशन से क्या हो जाती है, बाहर, कि हमको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी उसको बनाने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि उसको पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना लगता हो, पर क्या लग जाता है, शेड्यूल 3 लग जाता है. क्या लग जाता है? शेड्यूल 3. बात समझ आ रही है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात दोनों जगह लिखी गई है. कहां कहां पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी और शेड्यूल 3 में भी. तो कंसोलिडेट पर यहां से अगर बच भी गए तो आखिरकार तुम पे काहे पे कैसे लागू हो जाएगा? शेड्यूल 3 से. देखो लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट पढ़ो, further as per the rules of the consolidated financial statement, the company shall be made in accordance with the accounting standard. आपको accounting standards बनाना है. Subject, however, to the requirement that if under accounting standard consolidation is not required, accounting standard के हिसाब से consolidation is not required. क्यों नहीं required है? Because company has its immediate parent outside India. Parent company कहाँ है? Outside India के बाहर है, India के बाहर है, तो फिर जरूरत नहीं होती है. Then such company will also be required to prepare consolidated financial statement in the manner and format specified in Schedule 3 of the Act. ये सारी बातें सुनो, मुझे लगता है कंपनी और पढ़ चुके होंगे. पढ़ा है क्या? अरे हाँ ना, बोलो यार, रिवाइज ही कर रहे हैं. नहीं आया कि आया? अरे बोलो बेटा. अगला पॉइंट क्या है? The provision of this act is applicable to the preparation and adoption of audited financial statement of holding company shall mutatis mutandis. Mutatis mutandis मतलब? As it is, है ना? Mutatis mutandis मतलब as it is. Apply to the consolidated financial statement. मतलब जो एक individual financial statement में है वही इस वाले financial statement में भी लग जाएगा. आया कि नहीं आया बोलो ना यार. यही सारी बातें पढ़ के आने बोल रहा था बस मैं. Without prejudice to subsection 1, where the financial statement of a company do not comply with the accounting standard referred in subsection 1 of the company shall disclose in its financial statement the deviation from the accounting standard. Very important, deviation from the accounting standard, the reason for such deviation of the financial effects if any arising out of such deviation. Agar aap kisi karan se, sun rahe ho, अगर आप किसी कारण से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाए हो, अगर आप किसी कारण से क्या बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाए हो, तो आपको लिख के बताना पड़ेगा कि ये कारण था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फॉलो नहीं कर पाए हैं. अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते तो ये फिगर्स आते और इतना इतने का डिफरेंस आता. डिविएशन का कारण कितना डिविएशन है, कौन था, वो सब आपको बताना पड़ेगा अगर आप किसी कारण से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं कर पाते हो तो. मतलब किसी और लॉ के कारण, कोई और गवर्निंग बॉडी के कारण आप क्या नहीं कर पा रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हो. एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको नोट डालना पड़ेगा कि हमने ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं किया है, उसका ये कारण था, अगर करते तो इतना इतना डिविएशन आता, ऐसा ऐसा फिगर आता. फुल स्टॉप. नहीं आया कि आया? बोलो बेटा. The central government own on an application by class of companies by notification exempt any class or classes of companies from complying with any requirement of this section or the rules made there under.
अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी कंपनी को क्या दे सकती है, एग्जेम्पशन दे सकती है इस सेक्शन को लागू करने से, इफ इट इज कंसीडर्ड नेसेसरी टू ग्रांट सच एग्जेम्पशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन वो किसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट के। एंड सच एग्जेम्पशन में बी ग्रांटेड आइदर अनकंडीशनली और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। कुल मिला के अगर चाहें तो किसी को छूट दे सकते हैं ये वाले सेक्शन से कंप्लाई करने की, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जो भी कंडीशन है उससे, नहीं आ रहा है कि आ रहा है लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। आया कि नहीं आया, खाना बोल रहे ना। इफ अ कंपनी कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, द मैनेजिंग डायरेक्टर, द होल टाइम डायरेक्टर, इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन शैल गिव, शैल बी गिव, क्या लिखा है, द चार्ज बाय बोर्ड विद द ड्यूटी टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द ऑफिसर मेंशन अबव, ऑल द डायरेक्टर शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट। लोग जेल में डाल देंगे। कुल मिला के बात यही है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपये रखवा लेंगे, विद में एक्सटेंड टू ₹5 लाख, 50,000 से 5 लाख का फाइन रखवा लेंगे और 1 साल के निकाय में डाल देंगे बेटा, जेल में डाल देंगे अगर तुमने इस सेक्शन का कंप्लाई नहीं किया तो, डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को, क्लियर, या ऑल क्लियर, जो भी रिस्पॉन्सिबल था। नहीं आया कि आया, अरे बोलो बेटा, मॉडल का है। अरे बेटा तो प्रिंट एंड निकाल ले, जुगाड़ कर ले, कम से कम 7 मिनट लाइन रख दे, बाद में नहीं खोलती मॉड्यूल, ठीक है, याद से कर ही लेना, ठीक है। चलो यहां तक आया कि नहीं आया बेटा, फटाफट बड़ बोलो। ये Schedule 3 पढ़ा दिया था मैंने, वर्टिकल आर्टिकल होता है ये, खुद से रीड कर लोगे क्या, प्लीज मुझे बताओ। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये पक्का मुझे वादा करो, पक्का खुद से रीड कर लोगे तो मैं छुड़वाऊ, नहीं तो नहीं छुड़वाऊ। वादा रहा सनम, होमवर्क में लिख दूं, मैं बता चुका हूँ एसएससी काफी सारी बातें, ये टर्नओवर लेस देन 1 ईयर वाला ही पढ़ा दिया था। चलो अब एक काम करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, चले करें क्या इसका, बाकी का तुम खुद रीड करोगे, जहां दिक्कत जाएगी वो मुझसे पूछोगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैंने पूरी मॉड्यूल आपको लाइन बाय लाइन कवर करा दी, बस ये वाले पैराग्राफ्स पढ़ने बचे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार घर पे जाके रीड कर ले, ये जो आपको नहीं बनेगा वो आप मुझसे पूछेंगे। काफी कुछ बातें मेरी बताते समय ही कवर हो गई होंगी, जो नहीं कवर हुई होंगी वो आप मुझसे डाउट के रूप में पूछेंगे। क्लियर या ऑल क्लियर, फटाफट बोलो। शेयर वारंट्स बता दो, शेयर वारंट्स क्या होता है बताओ, अच्छा शेयर वारंट्स, मनी इश्यूड अगेंस्ट शेयर वारंट्स पढ़ा था अपने फॉर्मेट में, शेयर वारंट्स कंपनी लॉ पढ़ा होगा तुमने। चल बैठ, बुलाऊं इनकी मैम, पूछूं शेयर वारंट्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। देखो अब इन लोग ना, बता लूंगा शेयर वॉरेंट्स में, अभी क्लास खत्म होने के पहले पहले ये देख लो, ठीक है खुला हुआ है, बंद कैसे होगा, नोट्स जो मेरे वाले थे पहले मॉड्यूल कवर कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए जवाब दे दूंगा मैं, मेरे को देने में कोई समस्या नहीं है, पर उसी से पढ़े खुद आएंगे बच्चे। अब देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चंस कराने से पहले, सुन रहे हो, ये क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको क्या देना चाहूंगा, स्टैट्यूटरी वार्निंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एज पर Schedule 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वेर द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज अज्यूम टू बी ऑफ ड्यूरेशन। जहां नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कितने महीने की ली जाती है, 12 महीने की ली जाती है। ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था आपने, याद आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो ना यार, पक्का। अब एज पर रूल 12 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड इन डैश,
प्री सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग सीए किसके बारे में, कौन से, अगर आप जाते हो तो आपको सीए से साइन कराना पड़ता है, कौन से फॉर्म नंबर पे, ये फॉर्म नंबर भी कहाँ पड़ा है कंपनीज एक्ट में, ये याद भी नहीं रहेगा, इसको यहाँ से मार्क करके याद कर लेंगे, आगे भी किसी चैप्टर में आएगा। क्या इसका आंसर एओसी 4, पक्का भरोसा कर लू, मेरे को भी नहीं पता फोर्थ का आंसर क्या है, बी नहीं आ रहा है कि आ रहा है, अरे बोलो ना भाई। फिफ्थ क्वेश्चन, अ लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सैटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, किसी भी लायबिलिटी को हम क्या मानेंगे, करंट लायबिलिटी मानेंगे अगर वो ये क्राइटेरिया फॉलो करती है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बाय कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर द सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, ये कहां पर है, कंपनी लॉ में नहीं, चैप्टर नंबर 1 में आया, हर जगह कंपनी लॉ बोल के बैठ जाए पहले से, है ना, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में अब भी पढ़ के आए हो मॉड्यूल से यार, अगर मॉड्यूल में चैप्टर 1 अटेंड किया होगा तो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप क्लास के साथ मॉड्यूल मार्क करते हुए चलेंगे और घर जाके रीड करेंगे तभी क्लास अटेंड करने का और पढ़ने का फायदा है, अथवा आप अपना समय पैसे मेहनत सब बर्बाद कर रहे हैं। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे ले रहा हूं मैं, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको याद रहे चीजें तो आपको मॉड्यूल में मार्किंग करनी पड़ेगी, घर जाके मॉड्यूल की रीडिंग करनी पड़ेगी, क्लियर है, ऑल क्लियर, और साथ में करते चलोगे तो बेस्ट है, क्या बात सुनना, ये एग्जाम के टाइम पे बहुत हल्का लगेगा, और अगर अभी नहीं किया सोचा बाद में हो जाएगा तो बाद में तो फिर क्या ही होता है, तुम भी जानते हो। चलो यहाँ तक हुआ कि नहीं, मैं फटाफट बोलो, हाँ ना बोलो। क्वेश्चन नंबर 6, ओपीसी यानी 1% कंपनी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडॉप्टेड बाय इट्स मेंबर्स अलोंग विद इट्स डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी attached to such financial statement within dash from the closure of financial statement। OPC होती है, 1% company होती है, ठीक है क्या, जो क्या करती है, copy of financial statement file करती है, clear है क्या, अपने members से sign कराने के बाद within dash date of closure of financial year, कितने दिन, sorry 120 की 180, कौन सा question है, क्वेश्चन है डी आंसर, 6 महीने मिलते हैं आपको, 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, आया कि नहीं आया, अरे बोलो बेटा, जो बनता है वो अच्छी बात है, जो नहीं बनता है क्वेश्चन से देख के याद करो, क्लियर है क्या। अब अगला क्वेश्चन तुमने पढ़ा नहीं है लेकिन तुम्हारे मतलब तुम्हारे मॉड्यूल में है ये, ठीक है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल, पड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्या आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, अ रिकंसिलिएशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर, एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक, शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय द ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% या ऑल ऑफ द अबव, मुझे लगता है कॉमन सेंस में आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इतनी सारी चीजें तो ऑल ऑफ द अबव ही होंगी, क्लियर है, ठीक है क्या। रिकंसिलिएशन तुमने पढ़ा हुआ है, सामने सामने तुम्हारी मॉड्यूल में तुमको दिख जाएगा, बोलो आया नहीं, ठीक है क्या, एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 7th का डी, ऑल ऑफ दी अब, क्लियर है, ऑल क्लियर है, टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें, नहीं नहीं प्रैक्टिकल भी अलग से है क्या, अच्छा ये थ्योरी है फिर प्रैक्टिकल अलग से, अभी मैं सिर्फ थ्योरी देता हूँ तुमको, कैसा है कुछ अजीब से समझ से नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुको ना, सब मिला के 30 है क्या एक ही बार में, ओके 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 ओके, चलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया, अगला कौन सा क्वेश्चन देखना है अपन को, 8th, एज पर रूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है क्या, फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स इन XBRN फॉर्मेट, ठीक है, ऑल कंपनीज हैविंग डैश टू फाइल द बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, कौन सी कंपनी को XBRN में फाइल करना पड़ता है, याद है कि किसी को, मैं बताता हूँ, कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, अगर कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में वो, या उसका टर्नओवर है कितना 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या पेड अप कैपिटल कितनी है बेटा 5 करोड़ या उससे ज्यादा, या हर वो कंपनी जिसको प्रिपेयर करने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद कंपनीज रूल 2015,
इनको क्या करना पड़ता है, एक्सपीआरएल फॉर्मेट में फाइल करना पड़ता है। तो इसमें पूछा है ना कैपिटल के हिसाब से कौन सा आंसर होगा बताओ, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर, इशूड ऑथराइज सब्सक्राइब का ही नहीं था, हर जगह क्या था बेटा पेड, नहीं आ रहा है क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नहीं आया क्या? अरे बोलो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है? पॉइंट नंबर ए शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, पॉइंट नंबर बी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस या सीक्रेट रिजर्व्स, क्या आएगा बताओ? बताओ बताओ क्या होगा? क्या होगा आंसर बताओ, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट अपन ने पढ़ा था, याद है कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या होगा आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, दिया पीछे आंसर क्या हो जाएगा, ए शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। नहीं आया कि आया, मुझे लगता है कि सुनो ध्यान से, एक बार आप एक क्या करो आज के दिन में, मॉड्यूल रीड करके आओ, क्या रीड करके आओ मॉड्यूल, ठीक है क्या? फिर हम इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलेगा क्या? कल से मैं एक नया चैप्टर चालू करूंगा, सुन रहे हो, कल से मैं एक नया चैप्टर चालू करूंगा और चैप्टर वो इंटरेस्टिंग होगा, क्यों? क्योंकि मैं चालू करूंगा पार्ट बी से, जिसको हम बोलते हैं ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की कल से हम शुरुआत करेंगे, ऑल टुगेदर ऑल न्यू चैप्टर सब बनेगा, अच्छे से बनेगा, है ना, मजेदार चीज रहेगी, ये थोड़ा सा बोरिंग था वो इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, चलेगा क्या? अरे हाँ ना बोलो, क्या मॉड्यूल रीड करके आओगे? चलिए आज मैं इतनी करा रहा हूँ, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज की सभा समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।